नमस्कार, मैं हूं पहली चौहान। दिन भर की छोटी बड़ी खबरों के लिए दनादन खबरों में आपका स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। कोयबा शहर में दुर्घटनाएं रुकने का नहीं ले रही नाम। द्वारी स्थित पथरीपारा के पास लगे एक खंभे से सीएसबी कर्मी राहुल गुप्ता की गाड़ी एक बिजली के खंभे से टकरा गयी। कार का एयरबैग खुल जाने की वजह से सीएसबी कर्मी राहुल गुप्ता की बच गयी जान। घटना की वजह टायर का पंचर होना बताया जा रहा। जंगल में मिली महिला की सड़ी गली लाश। अकलतरा थाना क्षेत्र के ग्राम बाना के जंगल में संदिग्ध परिस्थिति में एक महिला की मिली लाश। मामला हत्या का हो रहा प्रतीत। पहचान छुपाने की नियत से महिला के सिर को बुरी तरह से कुचला गया। मौके पर मिली टूटी हुई चूड़ियां। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दूरस्थ वनांचल ग्राम बरभावना में फिर एक दंपत्ति पर जंगली भालू ने किया हमला। पीड़ित दंपत्ति पास के ही तालाब जा रहे थे नहाने, तभी भालू ने पति को अपने दांत और नाखूनों से गंभीर रूप से किया जख्मी। वहीं इस हमले में उसकी पत्नी को आई है मामूली खरोच। मंगलसार भालू के हमले से बचने के लिए अपनी सांसें रोककर 5 मिनट तक लेटा रहा। खूंखार भालू उसे मृत समझकर वापस लौट गया जंगल। पत्नी की मदद से जिला चिकित्सालय कराया गया दाखिल, जहां उसकी हालत अब खतरे से बाहर। जांजगीर चांपा में सिद्ध शक्तिपीठ चंडीदाई मंदिर महंत के प्रांगण में 3 दिवसीय बंधवा सरोवर जलोत्सर्ग एवं बालाजी भगवान मूर्ति मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह का किया गया आयोजन। आचार्य पंडित उमाशंकर चतुर्वेदी एवं पुरोहित पंडित नंद कुमार मिश्रा के सानिध्य में देवेश कुमार सिंह ने सप्तनिक विधि विधान से की पूजा। इस धार्मिक अनुष्ठान में गाँव और क्षेत्र के श्रद्धालु हुए शामिल। जगदलपुर शहर के चौक चौराहों में शहर की सुंदरता में 4 चांद लगाते हुए लालबाग सिटी ग्राउंड, एसबीआई चौक, पोस्ट ऑफिस, अन्य कई सड़कों के किनारे दीवारों पर खूबसूरत पेंटिंग देखने को मिल रही है। इन पेंटिंग को बनाने के लिए बनाया गया है 12 लोगों का ग्रुप। ग्रुप में कोलकाता से आए शिवनाथ दास हैं शामिल। शिवनाथ पिछले 18 सालों से करते आ रहे हैं पेंटिंग। पेंटिंग है उनकी दुनिया। शिवनाथ का कहना है कि अगर लगन और काम के प्रति प्रेम है तो कोई भी काम छोटा नहीं। अगर उसके अंदर कुछ करने की लगन हो तो हर इंसान हासिल कर सकता है अपना लक्ष्य। जगदलपुर में क्राइम ब्रांच की टीम ने शहर के कुम्हारपारा में आईपीएल मैच पर सट्टा खिलाते हुए 5 हटोरियों को पकड़ा। पुलिस ने इनके पास से 2,18,000 रुपए नगद, 7 मोबाइल, टीवी समेत लाखों रुपए की सट्टा पट्टी की जब्त। शहर के कुम्हारपारा निवासी उमेश महाजन के घर पर पुलिस ने 5 हटोरियों को घेराबंदी कर धर दबोचा। सभी आरोपी के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। सभी आरोपी आदतन सटोरिए। बागो थाना अंतर्गत और कठोरा वनमंडल के वनांचल गांव बंजारी के रहने वाले 2 लकड़हारे दोस्त इंद्रपाल सिंह और शिव मंगल पर खूंखार जंगली सुअर ने किया हमला। लकड़ी काटने पहुंचे थे दोनों दोस्त। 5 से 10 मिनट तक चले खूनी मुठभेड़ के बाद सुअर जंगल की ओर भाग निकला। दोनों दोस्त किसी तरह अपने गांव पहुंचे, जिसके बाद उन्हें कोरबा के इंदिरा गांधी सौसैया अस्पताल में कराया गया भर्ती। दोनों दोस्तों का उपचार जिला अस्पताल में जारी। थाने में महास्वाद नहीं होना एक विवाहिता के लिए जानलेवा हुआ साबित। पति ने उसके गले पर टंगिया से ताबड़तोड़ कर दिया वार। टंगिया का वार इतना घातक था कि विवाहिता ने मौके पर ही तोड़ा दम। अपनी बीवी के जघन्य हत्या का यह सनसनीखेज मामला कटघोड़ा थाना इलाके के ग्राम अमरपुर का। खाना खा रहे पति छतराम को खाने में नहीं मिला जायका और इसी बात पर दोनों पति पत्नी के बीच विवाद होने लगा। दोनों के बीच हुई कहासुनी इतनी बढ़ गई कि पति छतराम ने पास ही रखे कुल्हाड़ी से पत्नी के गले पर ताबड़तोड़ वार कर अपनी बीवी लक्ष्मी को उतार दिया मौत के घाट। पुलिस ने छतराम को हिरासत में लेते हुए हत्या में प्रयुक्त टंगिया को भी किया जब्त। महज खाने को लेकर हुए इस जघन्य हत्या से पूरे गांव में फैल गई सनसनी। पुलिस ने मृतका लक्ष्मी के शव को पोस्टमार्टम के लिए कटघोरा सीएससी कर दिया है रवाना। रायपुर से कोरिया के बैंकुटपुर के लिए वाया कटघोरा चलने वाली लग्जरी रॉयल बस में बैठे सवारियों में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब कुछ यात्रियों को इंजन के पास से धुआं उठता हुआ आया नजर। देखते ही देखते धुएं से भर गई पूरी बस। दम घुटने पर सवारियों ने खिड़की दरवाजे से कूदकर बचाई अपनी जान। आधे घंटे के भीतर ही आग ने पूरी बस को ले लिया अपनी चपेट में। इस भीषण आगजनी से किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं। आग से पूरी बस जलकर हो गई खाक। रायगढ़ शहर में सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म। देर शाम उनकी बहाली की सूचना के बाद हड़ताल हुआ समाप्त। हड़ताल समाप्ति और कर्मचारियों की बहाली के लिए रायगढ़ के लोकप्रिय विधायक रोशन लाल निगम के पार्षदों पदाधिकारियों के सार्थक प्रयास से राज्य शासन ने दोबारा कर दी है इनकी बहाली।
जिंदल प्रबंधन के खिलाफ वादा खिलाफी का आरोप, 19 अप्रैल से ग्रामीण युवा बैठे 3 दिवसीय धरने पर। ग्रामीणों की जमीन को अधिग्रहित किए हुए 5 से 10 साल हो गए, लेकिन जिंदल द्वारा पुनर्वास नीति के तहत रोजगार प्रदान नहीं किया गया। भू विस्थापितों की 10 सूत्रीय मांगों को रायगढ़ कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया है। इसके साथ ही सामाजिक संगठन राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं अपराध नियंत्रण संगठन ने भी अपना समर्थन दिया है। कोरबा की लाइफलाइन कहे जाने वाले पैसेंजर ट्रेनों को 45 दिनों के लिए बंद किए जाने के बाद से उपजे गुस्से को भाप कर बिलासपुर रेलवे मंडल के अधिकारी पहुंचे कोरबा सांसद से मिलने। अधिकारियों ने स्वीकारा कि गाड़ियां बंद होने से यात्रियों को हो रही परेशानियां और गिनाई मजबूरियां। सांसद की रेलवे अधिकारियों को 2 टूक, कहा मुझे ट्रेन चाहिए, कोई सफाई नहीं सुनूंगा। कोरबा शहर में कम वक्त में ही अपनी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं से लोगों का ध्यान आकृष्ट कराने वाले निजी अस्पताल मल्टी स्पेशलिटी सृष्टि हॉस्पिटल के तत्वाधान में रुमगढ़ा में निशुल्क जांच शिविर का किया गया आयोजन। इस मौके पर पूर्व केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष और वरिष्ठ भाजपा नेता देवेंद्र पांडे भी शिविर में रहे मौजूद। इसके अलावा मल्टी स्पेशलिटी सृष्टि हॉस्पिटल के वरिष्ठ सर्जन और डॉक्टरों ने भी स्वास्थ्य शिविर में अपनी दी सेवाएं। इस अवसर पर देवेंद्र पांडे ने बताया कि व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा से दूर सृष्टि हॉस्पिटल का प्रयास है कि कम खर्च में लोगों को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सेवाएं हासिल हो। इसके लिए जरूरी है कि स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों की तकलीफों और बीमारियों को समझा जाए। इस शिविर के माध्यम से सैकड़ों वार्डवासियों ने अपनी सेहत की कराई जाँच। उनका खुद का भी यह प्रयास है कि मिनी भारत के तौर पर मशहूर कोरबा के लोगों को कम खर्च में पूरा और अच्छा इलाज हो सके हासिल। छत्तीसगढ़ की सीमा से लगे आंध्र प्रदेश की सीमा पर एक बार फिर नक्सलियों ने जमकर मचाया उत्पात। इस दौरान नक्सलियों ने उत्पात मचाते हुए एक सब स्टेशन को कर दिया ब्लास्ट। विस्फोट में किसी की मौत और हताहत होने की जानकारी नहीं। ब्लास्ट के बाद नक्सलियों ने मौके पर छोड़े पर्चे। इस घटना की जिम्मेदारी नक्सलियों की शबरी एरिया कमेटी ने ली। यह घटना आंध्र प्रदेश के चितूर थाना क्षेत्र के सरीवेला गांव की। वही घटना के बाद जवानों को कर दिया गया अलर्ट, जिसमें नक्सली आगे और उत्पात न मचा सके। नक्सलियों के उत्पात को रोकने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में तेज कर दी गई है सर्चिंग। सूरजपुर में एनएच निर्माण कार्य में हो रही लेट टीफी के लिए ठेकेदार द्वारा विद्युत विभाग को ठहराया जिम्मेदार। उनका कहना है कि एनएच के दायरे में आने वाले विद्युत पोल अगर हट जाए तो 1 सप्ताह में पूरा कर देंगे काम। जिला मुख्यालय सूरजपुर के नगरपालिका क्षेत्र में एनएच की सड़क और नाली निर्माण कार्य की गति बहुत ही धीमी। 5 माह से पूरा शहर है बदहाल, पूरी तरह से चरमरा गई है व्यवसायिक गतिविधियां। धूल और मिट्टी से सराबोर इस शहर में आम लोगों का जीना हुआ दुभर। तो ये थी आज की दनादन खबरें। दिन भर के न्यूज अपडेट के लिए आप बने रहें INN24 पर। INN24 आप यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब में लाइव टीवी देखने के लिए INN24 सीजन लाइव पर विजिट करें। नमस्कार।